गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर बने एक अपार्टमेंट में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसके द्वारा एक वीडियो भी बनाई गई जिसे उसने अपने साले को भेजा और उसे यह भी बताया कि वह खुद भी आत्महत्या करने जा रहा है। सर, थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के ज्ञान खंड में पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या का मामला सामने आया, क्या अब तक पुलिस के पूरी जांच में आया है? 100 नंबर पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पति ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। मौके से तीनों की डेड बॉडीज को लेकर मॉर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार पति ने अपने परिवार के सामने ये कन्फेशन किया था कि कुछ दिनों से परेशान चल रहा था और संभवतः आर्थिक तंगी के कारण उसने ये कदम उठाया और उसने खुद भी सुसाइड करने की बात कही है। हम उसको भी चेक करने के लिए अभी हमारी टीमें निकल गई हैं, वो पता लगा रहे हैं कि वो व्यक्ति कहाँ पे है। जैसा भी जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर। सर, पति कितने बजे हत्या करके फरार हुआ था? देखिए, ये एग्जैक्ट डिटेल्स अभी बता पाना संभव नहीं है, जब तक वो व्यक्ति ना मिले उससे पूछताछ की जाएगी तब ये सारी डिटेल्स सामने। सर, क्या पति बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था? पहले ये बेंगलोर में नौकरी किया करता था, ऐसा अभी तक परिवार द्वारा बताया गया है। पत्नी क्या करती थी? बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे एक स्कूल है उसमें जॉब करती है। सर, बताया जा रहा है कि कोई वीडियो भी उसने पति ने उसके बाद भेजा है हत्या का, वो किस तरीके का वीडियो है? सर, परिवार से कुछ ऐसी जानकारी मिली है, हम वो वीडियो अभी मंगा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। सर, मौके से आला का सबूत बरामद हुआ? अभी यहाँ से जो भी है हमारे फॉरेंसिक टीम मौके पे है, जो भी यहाँ पे एविडेंसेस है सारे के सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं।